इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईफोन के अंदर हम कीबोर्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए, दो तरीके यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, एक तो चेंज करने का और एक डिलीट करने का। दोनों ध्यान से देखिएगा। देखिए, चेंज करने के लिए तो आप सिंपली जब यहाँ पर कीबोर्ड को खोलेंगे तो यहाँ पर एक आइकन दिखाई देगा आपको गोल सा, इस पर आपको टिक करना है। अर्थ का सा आइकन ये, तो इस पर जब आप होल्ड प्रेस करेंगे तो होल्ड प्रेस करने के बाद आपको नॉर्मली कीबोर्ड आपका दिख जाएगा। जो सा भी चेंज करना हो आप इसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है डिलीट करने का, वो और देख लीजिए। इसके लिए हमें यहाँ पर सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जनरल में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर जो है कीबोर्ड पर जाना पड़ेगा। और कीबोर्ड पर जाने के बाद कीबोर्ड आपको दिख जाएगा ऊपर ही, इस पर जाना है। एंड उसके बाद यहाँ पर एडिट पर टिक करना है, और यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। तो जैसे ही आप इसको डिलीट करेंगे तो यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसे डन कर देते हैं और यहाँ से ये चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम कीबोर्ड को खोलेंगे, देखिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं कीबोर्ड को, तो ये जो है गूगल कीबोर्ड यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको लगा भी नहीं सकते क्योंकि ये हमने डिलीट कर दिया। तो दोनों ही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। तो अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।